नमस्कार, मैं हूं आशीष तिवारी और आप देख रहे हैं टीवी न्यूज वायरस। आज हम बात करेंगे एक ऐसे माफिया डॉन की जो टकरा गया है यूपी के महाबली से, जिसे कहते हैं बाहुबली। हालांकि उसका जो खानदान है, जब हम उसके पीछे के इतिहास को देखते हैं तो लोग कहते हैं कि ऐसा जो खानदान का इतिहास है बहुत मुश्किल से मिलता है पूर्वांचल में, अंसारी परिवार। जी हाँ, जंगे आज़ादी में जिसके खानदान ने अहम भूमिका निभाई, दादा जो महात्मा गांधी के खास हुआ करते थे, उन्होंने एक बड़ी भूमिका निभाई थी देश को आज़ादी दिलाने में। नाना की बात करें तो उनके नाना भारतीय सेना में एक ऐसे अधिकारी थे जिस पर पाकिस्तान ने भी 50,000 का इनाम रखा था। जी हाँ, ऐसा ही खानदान। उस खानदान के चश्मोचिराग की बात करें तो जो नई नस्ल है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शूटर है, देश के नहीं दुनिया के 10 शूटरों में उनका नाम शुमार होता है। ऐसे ही खानदान के बीच में एक नाम आता है मुख्तार अंसारी का। जी हाँ, पूर्वांचल का एक ऐसा नाम जिसे थर्राती है पूरी देश की सियासत, विधानसभा से लेकर लोकसभा तक जिनकी हनक है। मायावती ने जिन्हें रॉबिनहुड तक कहा, लेकिन आज वो एक बार फिर चर्चाओं में है यूपी की सियासत में। पंजाब से लेकर यूपी तक का यह सफर कैसा रहा है और क्या है मुख्तार अंसारी के जिंदगी के पीछे का इतिहास, हम बताएंगे इस खास रिपोर्ट में। तो चलिए शुरू करते हैं मुख्तार अंसारी का सफरनामा। ना मेरा है ना तेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान हर किसी का है। यूपी की सियासत में अगर कोई हलचल होती है तो उसका असर पूरे देश की राजनीति पर दिखाई देता है। बेशक वो अपराधी है, पर सच ये भी है कि उसका खानदान काबिले मिसाल भी है। कानून की चौखट पर वो भले ही खलनायक है, लेकिन उसके शहर के लोग उसे आज भी अपना मसीहा मानते हैं। राजनीति उसे विरासत में मिली, पर अपराध की दलदल में उतरे बाहुबली ने प्रदेश में ही नहीं देश में अपना एक अलग रुतबा कायम किया है। हम बात कर रहे हैं अपराध की दुनिया से राजनीति में आए पूर्वांचल के रॉबिनहुड कहलाने वाले बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी की। आजकल योगी राज की धमक में माफिया डॉन की खनक हल्की जरूर पड़ी है, लेकिन सुर्खियों में है डॉन की यूपी की वापसी। तो चलिए आपको बताते हैं कौन है डॉन मुख्तार अंसारी और क्यों उसके खानदान को कहा जाता है बेमिसाल। आज के माफिया डॉन और देश के सबसे चर्चित राजनेता मुख्तार अंसारी का जन्म 30 जून 1963 को गाजीपुर जिले में हुआ था। मुख्तार के दादा मुख्तार अहमद अंसारी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे हैं, जबकि पिता एक कम्युनिस्ट नेता थे। मुख्तार के परिवार की बात करें तो उसका खानदान न केवल नामी और रसूख वाला रहा है, बल्कि सियासत से भी जबरदस्त तरीके से जुड़ा रहा है। मुख्तार अंसारी के दादा डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के दौरान 1926-27 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। वे गांधी जी के बेहद करीबी माने जाते थे। दिल्ली में उनके नाम पर एक सड़क भी है। महावीर चक्र विजेता ब्रिगेडियर उस्मान मुख्तार अंसारी के नाना थे, जिन्होंने 47 की जंग में न सिर्फ भारतीय सेना की तरफ से नौशेरा की लड़ाई लड़ी बल्कि हिंदुस्तान को जीत भी दिलाई। इस जंग में वो हिंदुस्तान के लिए शहीद हो गए थे। पूर्व राष्ट्रपति हामिद अंसारी भी मुख्तार अंसारी के चाचा लगते हैं। माना जाता है कि कांग्रेस और कई अन्य सियासी दलों में उसकी अब भी ठीक ठाक जान पहचान और रुतबा है। कुछ लोग पंजाब की जेल में उसको रखे जाने को इसी से जोड़कर देख रहे हैं। शायद कम लोगों को ही पता हो कि मऊ में अंसारी परिवार की इस इज्जत की एक और वजह है, वो है इस खानदान का गौरवशाली इतिहास, खानदानी रसूख की जो तारीख इस घराने की है, वैसी शायद ही प्रवांचल के किसी खानदान की ना होगी। मुख्तार के पिता सुभानअल्लाह अंसारी ने इसी खानदानी विरासत को आगे बढ़ाया। वह कम्युनिस्ट नेता होने के साथ साथ साफ सुथरी छवि के लिए जाने जाते थे। इसी वजह से सुभानअल्लाह अंसारी को 1971 के नगरपालिका चुनाव में निर्विरोध चुना गया था। यही नहीं, भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी भी मुख्तार अंसारी के रिश्ते में चाचा रखते हैं। लेकिन समय का चक्र ऐसा घुमा कि उसी खानदान के चश्मोचिराग पर हत्या, अपहरण और एक्सट्रॉशन जैसी दर्जनों संगीन वारदातों के आरोप में मुख्तार अंसारी पर 40 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। 2005 में मऊ में हिंसा भड़काने के आरोप मुख्तार अंसारी पर लगे थे। वहीं बीजेपी नेता कृष्ण आनंद राय की 7 साथियों समेत हत्या का आरोप भी मुख्तार अंसारी पर लगा था। लेकिन कैसा था मुख्तार का आगाज वो भी।
मुख्तार अंसारी के जब हम जिंदगी को टटोलते हैं और जब पढ़ते हैं उनके बारे में कि आखिर उनकी युवावस्था में क्या प्रवृत्ति थी, किस तरह से उन्होंने राजनीति में कदम रखा, तो कई चौंकाने वाली बातें आती हैं। छात्र राजनीति उन्होंने शुरू करी BHU से, पूर्वांचल का एक ऐसा विश्वविद्यालय जिसकी अपनी एक पहचान है। वहाँ पर छात्र राजनीति से मुख्तार अंसारी की शुरुआत हुई और ऐसा सिक्का चला राजनीति में उनका कि मायावती से जुड़कर कई बार विधानसभा तक पहुँचे, लोकसभा भी उनसे दूर नहीं रही। लेकिन जरायम की दुनिया की बात करें, क्राइम की दुनिया की बात करें, तो मऊ, गाजीपुर से लेते हुए देश भर के अलग अलग हिस्सों में अपराध में उनका नाम आने लगा। उनकी जो हनक थी वो सियासत से धीरे धीरे बदलते हुए जुर्म की दुनिया में बढ़ने लगी। कई हत्याकांड में उनका नाम आया। धन उगाही की बात करें, ब्लैकमेलिंग की बात करें या और तरह तरह के अपराधों की बात करें, मुख्तार अंसारी कहीं ना कहीं इन नामों में शामिल होते रहे हैं। यही वजह है कि जब मायावती ने उन्हें पार्टी से निकाला तो उन्होंने अपनी एक अलग पार्टी खड़ी कर दी, लेकिन इस पार्टी में भी ज़्यादा कमाल नहीं कर पाई वो। आज मुख्तार अंसारी भले ही जिंदगी के ऐसे पड़ाव पर पहुंच चुके हैं जहां सक्रिय राजनीति उनसे दूर होती जा रही है, लेकिन हनक है जो खत्म नहीं होती। आगे का सफरनामा उनका कैसा रहा है वो हम बताते हैं आगे की रिपोर्ट में। शुरुआत के दिनों में मुख्तार निडर दबंग शख्सियत बन गए थे। उन्होंने छात्र राजनीति में कदम रखा और सियासी राह पर चल पड़े। 1988 में पहली बार हत्या के एक मामले में मुख्तार का नाम आया, पर इस दौरान मुख्तार के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत पुलिस नहीं जुटा पाई, लेकिन इस बात को लेकर वह चर्चाओं में आ गए। 1990 का दशक मुख्तार अंसारी के लिए बड़ा अहम था। छात्र राजनीति के बाद जमीनी कारोबार और ठेकों की वजह से वह अपराध की दुनिया में कदम रख चुके थे। पूर्वांचल के मऊ, गाजीपुर, वाराणसी और जौनपुर में उनके नाम का सिक्का चलने लगा था। 1995 में मुख्तार अंसारी ने राजनीति की मुख्य धारा में कदम रखा। 1996 में मुख्तार अंसारी पहली बार विधानसभा के लिए चुने गए। मुख्तार अंसारी ने गाजीपुर और मऊ क्षेत्र में चुनाव के दौरान उनकी जीत सुनिश्चित करने के लिए मुस्लिम वोट बैंक का सहारा लिया। मुख्तार अंसारी 5 बार बहुजन समाज पार्टी की ओर से विधायक रह चुके हैं। हालांकि राजनीति में उनकी एंट्री बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में छात्र संघ पदाधिकारी के तौर पर एक्टिव होने की वजह से हुई। एक दंगे के बाद मुख्तार अंसारी पर लोगों को हिंसा के लिए उकसाने के आरोप लगने लगे और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। 2007 में मुख्तार अंसारी और उनके भाई अफजल बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो गए। उन दिनों उन दोनों को पार्टी में आने की इजाजत इसलिए मिली क्योंकि उन्होंने दावा किया था कि वे झूठी सामंती व्यवस्था के खिलाफ लड़ रहे थे और इसी वजह से उन्हें आपराधिक मामलों में फंसाया गया था। उन्होंने किसी आपराधिक गतिविधियों में भाग लेने से परहेज करने का भी वादा किया था। बसपा प्रमुख मायावती ने रॉबिन हुड के रूप में मुख्तार अंसारी को न केवल पेश किया बल्कि उन्हें गरीबों का मसीहा भी कहा। हालांकि बसपा में निष्कासित होने के बाद तीनों अंसारी भाइयों मुख्तार अफजल और सिमतुल्ला ने 2010 में खुद की राजनीतिक पार्टी कौमी एकता दल का गठन किया। बताया जाता है कि मुख्तार अंसारी विधानसभा सदस्य के तौर पर मिलने वाली विधायक निधि से 20 गुना अधिक पैसा अपने निर्वाचन क्षेत्रों में खर्च करते रहे हैं। उन्होंने मऊ और अन्य क्षेत्रों में विकास के लिए कई बड़े काम करवाए। मुख्तार अंसारी का पूरा परिवार क्षेत्र में होने वाली गरीबों की बेटियों की शादी के लिए देश का पूरा भुगतान करता है। अंसारी के राजनीतिक कैरियर को कानूनी उथल पुथल ने मिलाकर रख दिया था। अक्टूबर 2005 में मऊ में भड़की हिंसा के बाद उन पर कई आरोप लगे। यही बायोडाटा है उत्तर प्रदेश के डॉन मुख्तार अंसारी का, जिन्होंने एक हाथ में अपनी गैंग की लगाम थामे रखी और दूसरे हाथ में सियासत की स्ट्रेटजी। रसूख और वर्चस्व ऐसे की तारीखों के साथ सरकारें बदलती रही, लेकिन इस माफिया की सल्तनत का दायरा लगातार बढ़ता गया। 15 सालों से डॉन जेल में है, लेकिन मुख्तार अंसारी के लिए जेल का मतलब क्या है, इसका सच भी समय समय पर दुनिया ने देखा है। एक बार फिर डॉन मुख्तार अंसारी अपने सूबे में आ गया है, मतलब साफ है थ्रिल, एक्शन और बदले से भरपूर पिक्चर अभी बाकी। मुख्तार अंसारी की जिंदगी के बारे में जब हम और पढ़ते हैं, उनके करीब से जुड़े लोगों से बात करते हैं, तो एक और पहलू है जो माफिया डॉन का सामने निकल कर आता है। वो रहम दिल भी है, मददगार भी है। भले ही योगी सरकार में उस पर एक ऐसा जाल बिछ गया है जिस पर निकलना अब उसके लिए लगभग असंभव सा लगता है डॉन के लिए, लेकिन यह भी सच है कि
कई ऐसे लोग हमें मिले हैं जिन्होंने बताया कि बेटियों की शादी कराना हो या गरीबों का इलाज कराना हो, माफिया डॉन के दरवाजे हमेशा लोगों के लिए खुले रहे हैं। लेकिन ये जो नूरा कुश्ती है सियासत की, ये क्या रंग लाएगी आने वाले समय में? अब मुख्तार अंसारी की ज़िंदगी का आने वाला दिन कैसा गुजरेगा, ये दिलचस्प भी है क्योंकि इस पूरी फिल्म में थ्रिल भी है, रोमांच भी है और एक्शन भी है। तो एक फिल्म का डायलॉग याद आता है कि अभी पिक्चर बाकी है। फिलहाल कैमरामैन इमरान के संग आशीष को दीजिए इजाजत, देखते रहिए टीवी न्यूज़ वाला।